डर रहे हो, अंगूठा इलेक्शनों में आने वाला है। कल कह दिया कि जी महीना डेढ़ महीना इलेक्शन आगे हो सकता है, और ये एक डेढ़ महीने की बात करता है, एक दिन तो दूर की बात है, एक घड़ी भी हम इंशाल्लाह इलेक्शनों को आगे नहीं जाने देंगे, लड़ेंगे इसके लिए, खड़े हो जाएंगे। यहाँ तभी कहा जाता है जी के पता नहीं शायद इलेक्शन को और कुछ आगे ले जाया जाए, क्यों ले जाया जाए भाई, क्यों, कौन है ये जो है वो इस तरह की सोच सोच रहा है। इंतखाबात का मरहला है, ये पुरअमन होना चाहिए, अगर इसको खून खराबी में तब्दील किया तो इसका माना ये है फिर ये कुव्वतें जिम्मेदारी ले रही हैं कि किसी तरीके से इंतखाबात को मुलतवी कराने के लिए जवाब हासिल कर सके। इंशाअल्लाह इनको इंतखाबात मुलतवी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। माजी में हुआ है, कोशिशें हुई है इलेक्शन को डिले करने की, आईन कहता है 60 दिन में इलेक्शन होंगे, किसी के पास इख्तियार नहीं है उसको टाइम देने, कोई असेंबली ये करारदाद पास नहीं कर सकती, वरना पाकिस्तान से लड़की की बात भी हो सकती है, तो जो आईन तोड़ता है उस पर आर्टिकल 6 लगता है, यही दुनिया का कानून है। जो आईन तोड़ता है उस पर आर्टिकल 6 लगता है। माजी में बड़ी कोशिशें हुई हैं इलेक्शन मुलतवी करने की, लेकिन चूंकि हम इलेक्शन चाहते थे, यानी जो बयान दे रहे हैं, इसलिए इलेक्शन मुलतवी नहीं हुए। आज क्योंकि हम चाहते हैं कि इलेक्शन मुलतवी हो, जवाब हम देंगे, जितना भी भोंडा जवाब हो उसको सबको मानना पड़ेगा और इलेक्शन मुलतवी करने पड़ेंगे, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो इलेक्शन मुलतवी कर दिए।